आप दोनों के लिए एक फन सेगमेंट है, लेट्स कीप इट वियर्ड, सब वियर्ड क्वेश्चन फॉर यू गाइस। थैंक यू, चलो। ओके, द फर्स्ट थिंग, वियर्ड प्लेस यू हैव एवर विजिटेड। वियर्ड? या यू वेंट विद लाइक स्ट्रॉन्गली कि यहाँ पे मजा आएगा, लेकिन बहुत वियर्ड निकला वो जगह। बहुत ही, मैं तो मतलब मैंने तो एक शो कर लिया था जहाँ पे हम वियर्ड जगहों पे जाते थे। एक जगह थी जहाँ पे एक बुलेट, रॉयल एनफील्ड बुलेट है, उसकी पूजा होती है और प्रसाद में दारू डलती है। या ये मैंने सोशल मीडिया पे, मेरा शो है। फिर हम लोग गए दिल्ली में जहाँ पर की शैतान की पूजा होती है। फिर हम लोग गए जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर, जैसे हम होली में रंग फेंकते ना, वैसे वो आग के भूतगोले फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर। अरे माइंड ब्लोइंग है, इंडिया इज फैंटास्टिक। देन रियली वियर्ड थिंग्स वी हैव सीन। या एरिका, एनी प्लेस यू हैव विजिटेड? Not like that, not as weird as that. I have really. मैंने और वहाँ पे दारू चढ़ती है बुलेट पे। मैंने खुद ब्लैक लेबल की बोतल लेके बुलेट के ऊपर डाली है। प्रार्थना कुछ किया था? प्रार्थना कुछ किया था? हाँ हाँ, मैंने कहा जो भी है ऐसा ही है, शो हिट करा देना। ओके, वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन यू बोथ हैव ट्राइड टुगेदर शूटिंग के दौरान? टुगेदर नहीं, फूड कॉम्बिनेशन। हाँ, कुछ भी खाया हो, जैसे आजकल वो फेंटा और वो चाय वाली कुछ वियर्ड निकलती है। दैट इज अ क्वेश्चन फॉर शहीर, नॉट फॉर करण। आई नो, ही हैज द मोस्ट वियर्ड कॉम्बिनेशंस। मैं तो पराठे को भी सांभर के साथ खा सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, यू नो हिज वियर्ड कॉम्बिनेशन इज दाल एंड जलेबी। बच्चे मिक्स है, तो अगर पापा के लिए पराठा बना हुआ है और मैंने डिमांड कर दी इडली सांभर की, तो दोनों बनेंगे। अब दोनों सामने पड़े हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा पराठा भी खाई लूंगा ना। एरिका, कोई कॉम्बिनेशन ट्राई किया हो यू डिडंट लाइक? दैट आई डिडंट लाइक, या खाने के बाद? ओह, आई हैव सीन समबडी, अरे समबडी इन आवर टीवी यूनिट, सॉरी इन आवर टीम, हु वाज हैविंग गुलाब जामुन विद दही। एंड आई वाज लाइक, that's quite a combination. Okay, weird habit about yourself that you want to bring a change, like nail biting or something, shaking a leg or something like that. A weird habit? Yeah, that we, I want to bring a change. Weird, I don't have a weird habit. I also don't have weird habits. या तो मैं इतना confident इंसान हूँ कि मेरी weird habits भी मुझे सही लगती हैं, but I don't have any like these kind of things. Yeah, no. Okay, one best habit about each other you can say. About Erica, you can. Erica, he takes care of his whatever vitamins and all the thing that he's taking, and he is now particular about his health. Yeah. Earlier he was. Earlier he was not. Now he's. Yeah. Now that way, too, I've changed a little, and I think I like Erica is also very, very professional. She's in when she's on work mode. Yeah. ऐसा नहीं होता कि कुछ मैं मतलब कोई सीन में मैं गुस्सा हुआ हूँ और एरिका नहीं है वहाँ पर। यू नो, नो मैटर व्हाट हैपेंस, यू नो शी इज अ फैंटास्टिक को एक्टर। वियर्ड गिफ्ट यू हैव एवर रिसीव्ड फ्रॉम योर फैंस? तुम्हें क्या मिला ऐसे हंस रहे हो तुम? कुछ तो ऐसा मिला होगा। मेरे फैंस भी मेरी तरह अतरंगी है, तो बताओ ना क्या मिला ऐसा। देखो तो मतलब ऐसे अजीब अजीब सो हमारा ना कुछ फैंस के ना इंटरनल जोक्स भी चल रहे होते हैं, तो अगर मैंने ऐसे कुछ किया है यू नो उसमें मतलब बेइज्जती वेइज्जती हुई है, तो वो और भर भर के मेरी बेइज्जती करने के लिए और वो भेजते हैं। बट मुझे पता है कि वो लाइक मजाक उड़ा रहे हैं मेरा है, ऐसा कुछ हो रहा है। या एरिका, आई डोंट थिंक आई हैव रिसीव्ड एनीथिंग वियर्ड, बट एवरीथिंग दैट आई स्टिल हैव ऑल द लेटर्स दैट आई यूज्ड टू रिसीव, एंड मुझे एक चीज समझ में नहीं आती थी कि दे आर आवर फैंस, अंडरस्टूड, they send us own pictures. Yeah, the pillows, pictures. Yes. But I think because they is so sweet. Yeah, it is sweet, but what they don't understand is we see ourselves in the mirror every single day and on TV. Yeah. That, you know, there is, I don't know. I know ki pure vanities bhar jati thi waise photo frames se. Ji, mere paas kahi sare frames se. And खुद अभी भी हाँ खुद की फोटो के द वन दैट आई रियली लाइक एंड आई रियली केप, एक तो एक कैरिकेचर था जिसने खुद ही पेंट करके भेजा था, एंड वन वॉज अ सैंड पेंटिंग एंड आई लव दैट सैंड पेंटिंग, इट्स स्टिल देयर इन माय बॉम्बे हाउस, बट आई डोंट नो मैम, आई डोंट हैव माय ओन, आई डोंट हैव माय ओन, इट्स वियर्ड फॉर हर की मतलब मेरी फोटो। एक्जेक्टली, यस, इफ देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन इफ यू एंटर माय हाउस यू विल लाइक तू कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड है यार, मैं कह नहीं ये मतलब इन्होंने भेजा है और ये लगे हैं थोड़ी देर के लिए, बिकॉज़ ऑब्वियसली उन्होंने प्यार से भेजा और वो ऐसे नहीं हुआ कि मतलब
एंड देन आई थिंक कभी ना कभी कोई निकाल के उसको साइड पे रख देता है. डू यू फील कि ये आगे जाके ये सब कम हो जाएगा, बिकॉज़ ये सब ना अब होता था 100% अब इतना कोई इतना ध्यान नहीं देते एक्टर्स और उनके लिए गिफ्ट भेजना. डू यू फील ये सब कम हो जाएगा एंड यू गाइस आर लकी टू गेट ऑल दिस स्टफ. नहीं आगे जाके गेट इज कम नहीं होगा. इट इज लाइक दैट वी यूज्ड टू गेट इट बिकॉज़ इनको पता था कि हमारा टीवी सेट का होता था और हम जब दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे करते थे घर पे तो नहीं भेजते और ओटीटी पे वी आर नॉट शूटिंग ऑन अ सेट थ्रू थ्रू सो दैट इज व्हाई वी यूज्ड टू गेट इट ऑन सेट टू नी मोस्ट. बट व्हाट यू आर व्हाट आई थिंक व्हाट यू वर सेइंग दैट स्टारडम दैट यूज्ड टू बी वो जो क्रेज होता था पोस्ट I think before COVID वो अब वैसा नहीं रहा. I think formats change हुए हैं. अब आप pick up some of these YouTubers, they are massive. कहाँ मत तो वही है ना कि पहले से. You don't know unless and until you step out of the house. Yeah. True. तो वही कह रहा हूँ ना. It is not about the gifts. Probably the दुनिया का दस्तूर बदल रहा है, लेकिन वो चीजें हैं. शो के बारे में जानते हुए मैं ये जानना चाहूंगी, लव को ना आजकल अलग अलग नाम से जाना जाता है, सिचुएशनशिप, जस्ट फॉर अ टाइम पास, नो अलग अलग होस्टिंग हो गया. मैं आप ही के साथ इसका जवाब दे चुका हूँ बाय द वे, अब मतलब मेरे को दोबारा सेम सवाल पूछ रहे हो. तो ये सब जो वर्ड्स आप भी सीखते रहते हो लव के, जो नए नए टर्म्स एंड कंडीशंस आए हैं प्यार के साथ, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये प्यार की टर्म्स नहीं है, ये कन्वीनियंस की टर्म्स है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि ये सिचुएशनशिप नहीं, मतलब आप कमिट नहीं करना चाहते या फिर आप अपनी सिचुएशन से ये तो मेरी सिचुएशन है, अरे तो मतलब फिर मत करो ना यार प्यार, कन्वीनियंस मत ढूंढो ना. सो ये प्यार के नाम नहीं है, कन्वीनियंस के नाम है. यस, सो वन मैसेज फॉर द ऑडियंस, यही था मेरा मैसेज. चल अरेगा यार मैसेज दे यार, बोल ना. गाइस यू गिवन अस अ मैसिव क्रेजी रिस्पांस ऑन द ट्रेलर एंड वी हैव बीन रीडिंग अप ऑन ऑल द कमेंट्स एंड हाउ यू आर एक्साइटेड एंड हाउ यू नो एवरीथिंग. बट जस्ट वन मोर डे आई गेस, आई थिंक जब तक ये इंटरव्यू आएगा तो आई एम श्योर रिलीज हो चुका होगा शो. थैंक यू फॉर द लव एंड लेट अस नो हाउ यू लाइक्ड इट.